तैयारी तो यार कर ली है मैंने थोड़ी बहुत ही, और ये बस बस हुआ है वो कर लेते हैं अभी से। तो यार मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम उर्दू बाजार पहुँच चुका हूँ, अब दुकान ढूंढते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, तो क्या हाल चाल है सबका, मैं उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय नदर ब्लॉग। तो यार मुझे प्रोजेक्ट मिला हुआ है आज मैंने उसको यार करवाने जाना है, उर्दू बाजार बुक बनवाने जानी है, यहाँ से कहीं से भी नहीं बनती है। तो यार आज पहली दफ़ा मैं उर्दू बाजार जाना है और देखते कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहता है, आपके साथ मैं सब कुछ शेयर करूँगा। तो जाना मैंने अकेले नहीं है, तो यार मैंने अभी ऊबर करा ली हुई है, अभी बस ऊबर आने वाली होगी तो उसके साथ हम चलते हैं, फिर वहाँ पे जाके आपको मिलेंगे। यहाँ साफ कितनी देर लगती है देखते हैं अब। चलो यार चलते हैं। A few minutes later. यार रास्ते में इतना ज्यादा ट्रैफिक, इतना ज्यादा ट्रैफिक, इतनी देर लगी हमें पहुंचने में। A few inches later. तो यार मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम उर्दू बाजार पहुँच चुका हूँ, अब दुकान ढूंढते हैं। तो यार हम आ गए इधर और एक दोस्त मुझे ये दुकान रेफरेंस की थी, वहाँ पे देखते क्या। यार जहाँ से मुझे दोस्त ने कहा था वहाँ से प्रिंट हुआ ही नहीं है। अच्छा बात नहीं है। तो आप दूसरी जगह जा रहा हूँ तो आपका ढूंढ रहा हूँ, ऐसा घूम ही जा रहे हैं, पता नहीं चला कहाँ कहाँ जा रहा हूँ, जा रहा हूँ दूसरी जगह देखते हैं वहाँ जाके प्रिंट होता है कि नहीं। यार भी अस्सलाम वालेकुम, अभी मैंने कलर प्रिंट करवाना है, कलर नहीं कलर किधर से होगा भी? यार यहाँ से भी नहीं हुआ, वो कह रहे कलर प्रिंट नहीं निकालते हैं, देखो यार ढूंढ रहे हैं जो ये बताता हूँ। A few moments later. क्या यार बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा ब्लॉगर हैं आप? नहीं यार हमारे हो चुके हैं, हम घर जाने लगा, वो यूनिवर्सिटी जाना है, अब यूनिवर्सिटी जाके पढ़ते हैं सारों को, यहाँ यहाँ से हो गया प्रिंट ज़्यादा हो गई यार, उनका हाल मिट्टो मिट हो गया। तो यार अब ऊपर करवा लिया, ऊपर आ रही है, चलते हैं हम जल्दी जल्दी यूनिवर्सिटी, पहले बहुत लेट हो गए, टाइम लेक्चर का हो रहा है अब। तो यार मैं पहली बार उर्दू बाजार आया हूँ आज अकेला, और वैसे भी कभी नहीं आया, पहली बार उर्दू बाजार आया हूँ, एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा है आज का। वो राइड आ गई, अब जा रहा हूँ मैं। A few minutes later. तो यार मैं यूनिवर्सिटी पहुंच चुका हूँ, यूनिवर्सिटी आके पता चला कि आज लेक्चर ही नहीं है। Oh my God! इतनी देर सर ने पहले फेंक रखा है, फिर सर ने कहा आज कोई लेक्चर नहीं है तो आप जा सकते हैं, आपका सिलेबस कवर हो चुका है ना, हमारे पेपर आने वाले हैं ना, चलो अब घर ही जाना है, भाई का इंतजार करो, उसका लेक्चर हो रहा है, जैसे वो फारिग हो गया था फिर चलते हैं घर हम। तो यार मुझे भूख बहुत इस वक्त लग रही है, कुछ भी नहीं खाया सुबह का, बस नाश्ता किया हुआ है, इतना ज़्यादा शाम होगी, टाइम हो गया, घर जाके देखते क्या बना हुआ है, बहुत भूख लगी, घर जाके खाते हैं फिर आपको मिलते हैं बाद। Many unbearable hours later. तो यार तैयार हो चुके हैं हम, क्या कहते हैं, अब लेने जा रहा हूँ मैं बुक्स, अपनी जो प्रोजेक्ट बुक देने दी हुई थी, देख फोन किया कैसे बन गई हुई है, अब वहाँ पर जाके मैं मिलता हूँ, मेरा राइटर भी आ गया, बस ऊपर करवा ली है, तो अब आपको मैं वहाँ जाके मिलता हूँ कि क्या सूरत हाल वहाँ पे है। ओके ये मैंने आपकी दे दी है पेजेस, अब ये बस प्रिंट होने हैं, और ये बस हुआ है वो कर लेते हैं अभी से। यार भाई उन्होंने आगे पीछे पेज कर दिए हैं, पेज अब वो सही करने हैं, अब देखो कितनी देर लगती है, उन्होंने कहा घंटा लगेगा, अब घंटा यहाँ पे मैं क्या करूँ, अब ज़्यादा हो गई, अब उन्होंने पेजेस आगे पीछे जोड़ दिए हुए हैं, देखो क्या करें, उन्होंने कहा घंटा अब इंतज़ार करना पड़ेगा अब आपको, देखो मैं कह तो रहा हूँ जल्दी से जल्दी हो जाए, अब देख कितने बजे तक होता है देखते हैं, घंटा देखते हैं क्या करें, अब आपको मैं घंटे बाद ही मिलूंगा तब हो जाएगा काम। तो यार प्रिंट हो गया, उन्होंने शुक्र है कर दिया प्रिंट, सारा सेट कर दिया, घर चलते घर जाके मिलता हूँ आपको। Several days later. तो यार अब मैं कुछ दिनों बाद अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ मैं, बस तैयार होने लगा हूँ क्योंकि मेरी आज प्रेजेंटेशन है, जल्दी जल्दी बस तैयार होता हूँ फिर आपको मैं तैयार होकर मिलता हूँ, जिसकी यार ले टाइम हो रहा है, अभी मैं तैयारी भी करनी है प्रेजेंटेशन की, बस यार जल्दी कर लूँ बूम्स। यार तो मैं तैयार हो चुका हूँ, अब देखता हूँ यार अब ये शर्ट यार देखें अंदर कर लें कि नहीं, पूछता हूँ मामा से कर लेते हैं फिर अंदर, अब बस अब यूनिवर्सिटी बस जाना है, कुछ खाना खुना खा के देखो कैसी प्रेजेंटेशन होती है, आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगा। कैसा लग रहा हूँ वैसे यार, अच्छा लग रहा हूँ मुझे, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना यार, बस अब चलें तैयार, तो बस अब थोड़ी सी तैयारी कर लें हम, थोड़ा सा पढ़ लूँ मैं, फिर गाड़ी चलते हैं फिर हम यूनिवर्सिटी।
A few moments later. यार अब मैं तैयार तो हो गए हैं हम यूनिवर्सिटी के लिए, बस यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, ये साथ भैया और साथ मैं जा रहे हैं, बस अब यूनिवर्सिटी जाके आपको मिलता हूँ मैं। तैयारी तो यार कर ली है मैंने थोड़ी बहुत, ये पेज तैयार किया जाके देखते कैसी होती है। मेरा तो मेरा आग वाला इंटेलिजेंस सारी सारी आज पेज लेके आया। ये देखो प्रेजेंटेशन तैयार हो रही है यहाँ पे सारों की। यार आपकी तैयार है, आपकी प्रेजेंटेशन तैयार है, आपकी मुबीन एक से नौ तक बहुत अच्छी तैयार है सर। प्रेजेंटेशन है आज सारी तैयार हो क्या तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यार, क्या हाल चाल है सबका? मेरा नाम है अहमद। तो आज हमें जो टॉपिक मिला था फॉर्मेस ऑफ जॉय को शाबाश, जो एक प्रॉमिस होता है सर का होता, जो दो और मोर पर्सन के टू और मोर पर्सन है जस्ट इनटू एन एग्रीमेंट। 346 मिनट्स लेटर। तो यार मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और यार प्रेजेंटेशन बस दे ही दी थी यार, पूरी लेवल हुई थी। बस पहली दफ़ा मैंने प्रेजेंटेशन थोड़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस से दी है और थोड़ी अच्छी दी, मुझे भी थोड़ा फील हुआ था कि अच्छी दी है। तो यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। बहुत सारी दुआओं और प्यार के साथ अल्लाह हाफिज़। मज़ा तो आया यार आज, बहुत शुक्र लगा। आखिरी दिन भी आ रहे हैं करीब यूनिवर्सिटी के, वो भी सारा आपको दिखाऊंगा। एंजॉय जो भी सारा एंजॉय करेंगे दिखाएंगे। चलो यार ओके, अल्लाह हाफिज़।